वेलकम टू मैथ्स मेंटर चैनल। मैथ्स मेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अब इस चैनल में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से केमिस्ट्री की वीडियोस भी अपलोड की जा रही हैं। कुछ वीडियोस मैंने डेमो के तौर पर इस चैनल के ऊपर अपलोड की हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो मैं लेकर चल रही हूँ, वो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, UPPSC GIC केमिस्ट्री लेक्चरर, मतलब इसका सिलेबस एनालिसिस आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सिलेबस एनालिसिस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या आपका सिलेबस है। नोटिफिकेशन में नो डाउट आपके पास सब कुछ है कि फिजिकल में से क्या आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्या आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्या आएगा, ये आप सब लोगों को पता है। लेकिन हमने यहाँ पर जो मेन फोकस करना है वो करना है कि जो टॉपिक हमें दिया हुआ है या फिर जो सब टॉपिक्स हमें दिए हुए हैं वो कितने डीप में जाके हमें प्रिपेयर करने हैं, प्लस कौन सी बुक्स उनके लिए बेटर रहेंगी और कौन सी बुक से MCQs बेटर रहेंगे। तो ये सब कुछ हमने आज इस लेक्चर में जो है यहाँ पे आपको दिखाना है। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही लिखा हुआ है, ये तो आप सबको पता है, केमिस्ट्री 3 पोर्शंस में डिवाइडेड की गई है जिसके अंदर से आपका सिलेबस आएगा। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को उठा लेते हैं हम। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हम बाद में करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री देखते हैं। आप यहाँ पे कुछ टॉपिक्स देख रहे हैं, हालांकि आपके सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो इन टॉपिक्स के आगे सब टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। सो चलो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास। नंबर वन है आपका यहाँ पे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, अब स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोगों को पता है, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, 3 स्टेट हमारे पास होती हैं। तीनों के आपको सिलेबस, तीनों के सब टॉपिक्स भी आपको दिए गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लिक्विड स्टेट के अंदर ऐसे कौन से सब टॉपिक हैं जो ज्यादातर, या ये कह लो 80-90% एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो लिक्विड स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट 11th और 12th मेनली जो सिलेबस है ना आपका, जो सिलेबस है वो मेनली 80-85% वो आपका 11th और 12th में ही कवर हो रहा है। बाकी का जो 15% सिलेबस है वो आपका BSc तक जाता है। तो अगर आप 11th एंड 12th की बुक्स को भी अच्छे से कर लोगे, अच्छे से उनको आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो सबसे पहले जैसे कि अब शुरू करते हैं लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट जो है वो आपका 11th का टॉपिक है। तो अगर हमने बात यहाँ स्टेट्स की है, जैसे लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, तो इन तीनों स्टेट में से एक स्टेट है जो आपको प्लस टू की बुक में मिल जाएगी, दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 12th NCERT में से भी आप उसे कवर कर सकते हो, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट तो आपको 12th में मिल जाएगा। फिर आपका प्लस वन क्लास में केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है, 5th चैप्टर, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो चैप्टर आपको दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं वो है गैसियस स्टेट और एक है लिक्विड स्टेट। मतलब लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ये दोनों आपको 11th की बुक्स में से मिल जाएंगे, चैप्टर नंबर 5। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में क्या क्या पढ़ने लायक है। वैसे तो देखो जो इन्होंने सिलेबस डाला हुआ है, जो पीछे से सर्विस कमीशन की तरफ से सिलेबस आया है, हम कुछ नहीं कह सकते कि ये इम्पोर्टेंट है या ये अनइम्पॉर्टेंट है। बट हाँ, थोड़ा पिछले एग्जाम्स को देखते हुए हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ये टॉपिक बहुत बार रिपीट हुआ है। तो उसी बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट में अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, विस्कोसिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, एज वेल एज उनका टेम्परेचर डिपेंडेंस। मतलब सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, एक तो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी और वो तो जाहिर सी बात है कि अगर आप सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी करोगे तो पूरा टॉपिक ही रीड करोगे। तो उसी के अंदर एक टॉपिक आएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बोथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस टेंशन पर भी और विस्कोसिटी पर भी। तो ये बहुत जरूरी है।
लास्ट पेपर जो भी लास्ट प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आप अगर देखोगे, नॉट ओनली यूपीएससी, अगर आप बाकी स्टेट्स के भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस उठाते हो, तो उसके अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस टेंशन का या फिर विस्कोसिटी का बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसमें से जो है इजिली क्वेश्चन बन जाता है। तो कहने का मतलब लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में से आपका ये किसमें है, आपके 11th की बुक में से है। और लिक्विड स्टेट की अगर बात करें तो सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, सरफेस एनर्जी हो गया, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। प्लस अगर अब मैं बात करूं गैसियस स्टेट की, तो गैसियस स्टेट ये भी आपको सेम चैप्टर में मिल जाएगा, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके अंदर गैसियस स्टेट्स की बात की हुई है। उसके अंदर आप एक टॉपिक देखना, काइनेटिक एनर्जी गैस इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी गैस इक्वेशन। और एक टॉपिक है रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये कुछ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से भी ज्यादातर क्वेश्चंस आपके पुट हो जाते हैं। तो गैसियस स्टेट के केस में जो वेलोसिटीज हैं, काइनेटिक एनर्जी गैस थ्योरम जो है वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, ये सारी की सारी इनमें से न्यूमेरिकल आते हैं, जो केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल बनते हैं और गैसियस स्टेट में से वो इन्हीं के ऊपर बनते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी गैस इक्वेशन आपको अच्छे से कर लेनी है, एज वेल एज सारी आपको गैस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, प्लस रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब कुछ तो आपका लिक्विड एंड गैसियस स्टेट 11th में कवर हो जाएगा, 11th की बुक में से। फिर आपका आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है वो प्लस टू का 12th का चैप्टर नंबर 1 होगा आपका केमिस्ट्री का। बुक आप इसके अंदर कोई भी प्रेफर कर सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एनसीईआरटी की बुक्स को बेस्ट माना जाता है। एनसीईआरटी की बुक्स बिल्कुल बेस्ट होती हैं अगर आपको कोई एग्जाम प्रिपेयर करना है। बट स्टिल कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक बड़ा छोटा दिया होता है, कई बार हमारे माइंड में नहीं आता, हम सोचते हैं कि हमें डीप में जाके इसे पढ़ना चाहिए, इसीलिए हम अदर बुक्स प्रेफर करते हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी में से कुछ प्रॉब्लम हो, वैसे तो एनसीईआरटी में सब कुछ क्लियर होता है, बट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा स्टडी चाहते हो, तो आप दूसरी बुक्स के ऊपर भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो ये सॉलिड स्टेट है वो आपको 12th की प्रदीप्स बुक है, प्रदीप्स पब्लिकेशन, उसके अंदर सॉलिड स्टेट जो है उसकी डेफिनेशन या सॉलिड, ये जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसके बारे में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है, चाहे वो आपकी क्रिस्टल लैटिस हो, जो आपके सब टॉपिक में भी दिया हुआ है, क्रिस्टल लैटिस हो, क्यूबिक स्ट्रक्चर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स। देखो सॉलिड स्टेट के अंदर डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स के ऊपर हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। डिफेक्ट्स का भी एक वीडियो मैंने यहाँ इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप इजीली उसे देख सकते हो। तो डिफेक्ट्स के अंदर भी जो हमने बात की थी, जैसे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ये सब कुछ इनमें से क्वेश्चन बनता है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिफेक्ट्स में से ही बनते हैं, अगर मैं किसकी बात करूं, सॉलिड स्टेट की बात करूं। तो ये तो बात हो गई आपकी सॉलिड स्टेट की। तो डिफेक्ट्स के अलावा और भी, जैसे क्रिस्टल लैटिस हो गया, उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में भी पूछ लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी क्यूबिक की बी से, और फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इन सब की जो है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्यूबिक की क्या है, एफसीसी के केस में क्या है, बीसीसी के केस में क्या है, ये सब कुछ। तो ये सारा लिक्विड एंड गैसियस ये दोनों आपका कवर हो जाएगा 11th में, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, और सॉलिड आपका किसमें मिल जाएगा, 12th, चैप्टर नंबर 1 है, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका सॉलिड। अब बात आती है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स आप देख रहे हो, वैसे तो इसका कुछ पोर्शन फिजिक्स में भी है, फिजिक्स से भी रिलेटेड है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स के अंदर भी है कुछ टॉपिक्स, पर अगर मैं यहाँ केमिस्ट्री के बिहाफ से बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपका क्या आ जाता है, सबसे पहली चीज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ बहुत जरूरी लॉज हैं ये, इनको आपने नहीं छोड़ना है। और थर्मोडायनेमिक्स जो है वो भी आपको कहां मिल जाएगा, 11th की बुक में, ये है आपका चैप्टर नंबर सिक्स थर्मोडायनेमिक्स 11th में। तो फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगी, अगर हो सके तो एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़िए, एनसीईआरटी बुक्स के बाहर से कुछ नहीं आता है। लेकिन अगर आपको डीप स्टडी करनी है उसके लिए आप कोई अनदर बुक ले सकते हो, कोई हेल्प बुक आप ले सकते हो। और उस हेल्प बुक में भी कौन सी हो सकती है, अब जैसे अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, एनसीईआरटी में से आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर फिर भी आपको न्यूमेरिकल्स तक जाना है, डीप न्यूमेरिकल, काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए आप कौन सी बुक ले सकते हो, मॉडर्न एबीसी पब्लिशर है। तो मॉडर्न एबीसी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, कहने का मतलब उसके अंदर एक एक डिटेल दी हुई है, लॉज को इजिली एक्सप्लेन, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, न्यूमेरिकल्स का अच्छे से बताया हुआ है, बाकी आपके जैसे प्रोसेसेस के बारे में बड़े अच्छे से बताया हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोपोहरिक प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस इजिली एक्सप्लेन किए गए हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो भी आपके सब टॉपिक्स हैं, जैसे एनर्जीज हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज हैं, फ्यूजन एनर्जीज हैं, या फिर कैलोरीफिक वैल्यूज हैं, ये सारे के सारे, बड़ा ही वास्ट चैप्टर है ये, हम मानते हैं अगर एनसीईआरटी में से आपका कवर हो जाता है बेस्ट है। अगर आपको और डीप जाना है, मींस अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं इसके, देन गो फॉर मॉडर्न एबीसी, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मॉडर्न एबीसी ही आपने लेनी है, प्रदीप्स भी उतनी ही अच्छी है जितनी मॉडर्न एबीसी। तो मॉडर्न एबीसी, प्रदीप्स और एनसीईआरटी, इन तीनों में से आपके सारे सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन पर। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर आपके सॉल्यूशंस आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2, 12th। सॉल्यूशंस आपको कहां से मिलेंगे, 12th क्लास का है ये चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो सॉल्यूशंस के अंदर मोस्टली जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, देखो या तो वैसे हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि पेपर सेटअप जो है, जो माइंड है, माइंड सेटअप है, वो एग्जामिनर का बना होता है ऑलरेडी, बट हम सिर्फ आइडिया तो लगा सकते हैं, हमें इतना तो पता चल सकता है अपना सिलेबस देख के, या अपना चैप्टर, या अपने सब टॉपिक्स देखकर कि क्या चीज आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वैसे तो शुरुआत इस चैप्टर की मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी या मोल फ्रैक्शन से होती है, मतलब मोल कंसेप्ट से होती है। तो मोल कंसेप्ट ध्यान में रखना जरूरी है सॉल्यूशंस के लिए। प्लस एक और चीज, एक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में भी बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का कुछ है, सॉल्यूशन बन जाने के बाद क्या फर्क होगा उसका, कोई इम्प्योरिटी, कोई अनदर सॉल्यूट, कोई फॉरेन सब्सटेंस आप उसमें ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, लाइक दिस। बट फिर भी सबसे जरूरी जो मेरे हिसाब से है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अबाउट 95% एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही है। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनके न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को पता होंगे और इनके फॉर्मूलाज भी आप लोगों को पता होंगे, तो ये सब चीजें जो है वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मींस सॉल्यूशंस के अंदर कवर होंगी। फिर से वही बात रिपीट करूंगी, एनसीईआरटी में से कवर हो गया अगर आपका सारा, देन गो फॉर प्रदीप्स और मॉडर्न एबीसी। आपके इन तीनों बुक्स को मिलाकर अगर आप पढ़ते हो तो आपका कुछ भी, कोई भी टॉपिक नहीं छूट सकता। फिर आता है आपका सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना मतलब ये आपके सरफेस केमिस्ट्री है, और सरफेस केमिस्ट्री ये आपको किसके अंदर मिलेगी, ये भी आपको मिलेगी
ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 5, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। ये सबसे अगर देखा जाए ना तो ये बच्चों को पूरी ट्वेल्थ के केमिस्ट्री के अंदर सबसे इजी टॉपिक लगता है, सबसे इजी चैप्टर लगता है सरफेस केमिस्ट्री। और है भी पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स ना के ही बराबर है इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ कोलाइडल प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर टिंडल इफेक्ट का पूछ लेते हैं, या फिर इमल्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो एड्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन ये सारी चीजें सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो सरफेस फिनोमिना या सरफेस केमिस्ट्री ये भी आप कहाँ से कर सकते हो, वही 3 बुक्स जो मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ, एनसीईआरटी आपने पूरी कर ली, देन गो फॉर मॉडर्न एबीसी और प्रदीप्स, किसी में से भी आप कर सकते हो। एक और पब्लिशर है दिनेश पब्लिशर्स, वहां के उसका भी उस पब्लिशर्स का भी उस बुक्स में भी सारा अच्छे से डिटेल दी हुई है। तो देखो कोई भी, मैं नहीं कहती कि आप कोई नई बुक परचेज करो, यही पब्लिशर परचेज करो, जितनी भी बुक्स मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, एनसीईआरटी, प्रदीप्स, दिनेश, मॉडर्न एबीसी, ये जानी मानी बुक्स हैं और इनके अंदर जो भी सिलेबस है वो 90% आपका कवर हो जाता है। कुछ एक सिलेबस है जो प्लस टू लेवल का ना होकर ग्रेजुएशन लेवल का है, उसे हम बाद में देखते हैं। तो ये जो फिलहाल मैं बता रही हूँ, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, जो आप इजिली देख पा रहे हो, वो 12th से ही रिलेटेड है, 11th 12th से। फिर आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये दोनों एक ही चैप्टर है 12th क्लास। कौन सा चैप्टर है? केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 4। केमिकल काइनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलरिटी के अंदर आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट्स पता होनी चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस दी जाती हैं। मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगी कि आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मत करना, करना जरूर, बट मैं पिछले पेपर्स के बिहाफ पर ये बात बता रही हूँ आपको। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ऑर्डर्स एंड यूनिट्स पे आपने ध्यान रखना है। मॉलिक्यूलरिटी के अंदर भी आपने मॉलिक्यूलरिटी टॉपिक दिया हुआ है चैप्टर के अंदर ही, उसे आपने अच्छे से रीड कर लेना है, सारा चैप्टर के अंदर ही है वो। तो ये भी आपका किसमें कवर हो जाएगा? चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास का है। नेक्स्ट कम टू केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम आपका 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है। बड़ा ही वास्ट चैप्टर है और बहुत कुछ पूछा जाता है इसके बीच में से। सबसे जरूरी चीज जो पूछी जाती है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं या बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया जाता है, प्लस कॉमन आयन इफेक्ट, ये हो गया। उसके अलावा ये जो मैंने बात की है वो आयनिक इक्विलिब्रियम की है। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी आपका जैसे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ पूछ लेंगे, कोई इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग, जो मर्जी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए आप 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7। उसके बाद आता है आपका लास्ट फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 12th का है चैप्टर नंबर 3, थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपका कैटायन, एनायन, ट्रांसपोर्ट नंबर और प्लस आपका गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सब कुछ लिया जाता है, एज वेल एज कोरोजन, आयरन पे जंग लगना, रस्टिंग, ये सब चीजें और प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ये सारा आपके सिलेबस सब टॉपिक्स में गिवन है। तो इजिली आप इन सबको किसमें से कवर कर सकते हो? 12th की बुक्स में से, जो मैंने लास्ट टाइम बहुत बार रिपीट भी की हैं, फिर से रिपीट कर देती हूँ लास्ट बार, एनसीईआरटी, प्रदीप्स, दिनेश या फिर मॉडर्न एबीसी। तो इन बुक्स से आपका जितना भी सिलेबस दिया हुआ है, जो भी आपका 12th 11th से रिलेटेड है, वो आपका सारा कवर हो जाएगा। तो ये है, ये तो होगी आपके फिजिकल केमिस्ट्री की बात। तो ये है, आप अभी तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए और बेटर होगा, बेस्ट होगा अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी आप करते रहिए, अपना पढ़ते रहिए, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो आप कोचिंग भी जरूर लीजिए इसकी। क्योंकि देखिए, ये जो पोस्टें हैं गवर्नमेंट पोस्ट बार बार नहीं आती हैं, ये भी 4 साल बाद आई हैं, तो इसीलिए अपना बेस्ट देने के लिए कहीं कोई कसर मत छोड़िए। और इनऑर्गेनिक का सिलेबस अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।